देखिए, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि दिशा परमार का ट्विटर पर आंसर आ चुका है कि वो घर के अंदर नहीं जाने वाली हैं क्योंकि वो शो के फॉर्मेट से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। हे गाइस, दिस इज मी यशी, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन और मुझे भी फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो कि है drama.diva के नाम से। राहुल वैद्य के फैंस जो हैं वो इस वक्त दिशा परमार से काफ़ी हद तक नाराज हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो घर के अंदर ज़रूर जाएँ राहुल वैद्य को सपोर्ट करने के लिए, एंड शी शुड नॉट वरी अबाउट द कम्फर्ट जोन। क्योंकि कहीं ना कहीं जब राहुल अली और जैस्मिन को एक दूसरे के साथ में खेलते और सपोर्ट करते हुए देखते होंगे, जब उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू बी विद राहुल वैद्य, शी शुड डेफिनेटली ग्रैब इट और अपने कंफर्ट जोन से उनको बाहर निकल जाना चाहिए। इनफैक्ट राहुल वैद्य के फैंस ने ये भी कहा है कि कई बार वीकेंड के वार में राहुल वैद्य को टारगेट किया गया है और दिशा परमार का नाम जो है वो घसीटा गया है बीच में, देन इट शुड बी दिशा हु शुड बी क्लैरिफाइंग। इनफैक्ट दिशा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह भी लिखा था कि मुझे हर बार कॉन्वर्सेशन में ड्रैग मत कीजिए, पर अगर घर वाले या फिर बाहर वाले राहुल वैद्य को घर के अंदर दिशा के बारे में कुछ पूछते हैं तो अकॉर्डिंग टू राहुल वैद्य के फैंस दिशा को घर के अंदर जरूर जाना चाहिए। आप हमें बताइए कि क्या राहुल वैद्य के फैंस की ये दलील सही है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा। देखते जाइए बॉलीवुड स्पाई। वैसे ये कनेक्शन वाला जो वीक है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अब तक तो सिर्फ नाम जो है वो आ रहे हैं और अब असल में काम करने कौन आएगा ये हम एपिसोड में देखेंगे। तो देखते जाइए बिग बॉस सीजन 14 और हाँ, बॉलीवुड स्पाई को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।